बिना खड़े हो साहब पीछे हो रहा पीछे पीछे बिना हो भाई जी बिना खड़े हो मैं खाली भैया बिना जाओ इधर कुर्सियां खाली पड़ी है आपके दोस्त को हम साथ में प्रणाम करता हूं आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें चेयरमैन नगर पालिका भाटा श्री भगवान जी शैली से निकलते हैं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच के आगे से जगह छोड़ दीजिए प्लीज मंच के आगे से आप जगह छोड़ दीजिए और मंच के दाई ओर अपना स्थान ग्रहण करें हम सब इस महान स्थल पर विराजमान है जहां शिशु की भरी रुपये हम सब इस महान स्थल पर विराजमान है और ये स्थान भावना का बहुत ऐतिहासिक स्थान है और मैं आज आदरणीय जगदीश प्रसाद जी दादा जो कि हमारे विकास पुरुष है नगर पिता रहे तो मैं नारा लगाऊंगा जगदीश प्रसाद दादा आप तो ही अमर रहे जगदीश प्रसाद जी दादा जगदीश प्रसाद जी दादा भाई सुशील दादा भाई सुशील दादा भाई प्रदीप दादा भाई प्रदीप दादा आपकी इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे महबूब नेता का सपा बनाकर अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमान शंकर जी दादा आदरणीय श्रीमान शंकर जी दादा आदरणीय श्रीमान बाल किशन जी दादा और आदरणीय प्रदीप जी दादा के पुत्र मिथिलेश जी दादा और आदरणीय सूर्य प्रकाश जी दादा आदरणीय शंकर जी दादा आदरणीय बालकृष्ण जी दादा मिथिलेश जी और सूर्य प्रकाश जी दादा मीडिया बंधु से थोड़ा सा थोड़ी गहरी सोच हो सकती है थोड़ी सी मीडिया बात इस ऐतिहासिक स्थल पर जोरदार तालियों का लोकप्रिय नेता का अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत नगर पालिका के हमारे चेयरमैन आदरणीय भगवान जी शैली का साफा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए आदरणीय विनय जी दादा आदरणीय इंदर जी दादा आदरणीय सोनू जी दादा आदरणीय रमन जी श्यामलाल जी दादा और आदरणीय संकेत जी दादा आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि चेयरमैन नगर पालिका भाजा आदरणीय भगवंत जी का अभिनंदन मंडन स्वागत करें और आदरणीय पुनीत जी दादा पुत्र श्री सुशील दादा आप भी साथ में आए आदरणीय विनय जी दादा आदरणीय इंदर जी दादा आदरणीय सोनू जी दादा आदरणीय रमन जी श्यामलाल जी दादा आदरणीय संकेत भाई और आदरणीय पुनीत जी दादा चेयरमैन नगर पालिका भाटा का अभिनंदन स्वागत छोटी सी बच्ची और अब हमारे मध्य विराजमान भाजा के बाजार का ही पूरी भाजा के स्वाभिमान के प्रति जिन्होंने जानदार तरीके से सामंतवाद को प्रस्त करने का कार्य किया बहुत शानदार तरीके से भाजा के स्वाभिमान को जीवंत रखने का काम किया जोरदार तालियों के साथ मांगीलाजी भैया के अभिनंदन मांगीलाजी वाला के अभिनंदन के लिए आदरणीय जेपी जी दादा आदरणीय आनंद जी दादा आदरणीय पवन जी दादा डीपीजीसी पवन जी दादा
आदरणीय विष्णु जी नौकरी वाले और आदरणीय पीपल सेन जी दादा, आदरणीय जेपी जी दादा, कमल भ्रदस्य पुनित जी दादा, आनंद जी दादा, विष्णु जी अनुप सेन वाले, डीपीजीसी से पवन जी दादा, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अब लोकप्रिय नेता को आमंत्रित कर रहा हूं, आपके माल्यार्पण का इस ऐतिहासिक स्थल पर जहां इतिहास की जितनी भी भाद्रा में पंचायतियां हुई हैं, तो वो इस स्थल पर हुई हैं। अपने आप में यह स्थल राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। आपका बहुत अभिनंदन। आदरणीय जगदीश जी कंदोली साहब, आदरणीय जगदीश जी कंदोली साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल, आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल, टाइम भी कम लगा आ गया, आसान हो जाएगा। आदरणीय राधे श्याम जी गांधी वाले, आदरणीय राधे श्याम जी गांधी वाले, आदरणीय ताराचंद जी मुंशी वाले, आदरणीय रंजनी जी निराड़ वाले, आदरणीय जयराम दास जी सिंधी, आदरणीय जयराम दास जी, आदरणीय सुभाष जी फतेहपुरिया, आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा, आदरणीय चंदी लाल जी गांधी वाले, आदरणीय अंजनी जी पुरोहित, आदरणीय सुरेश जी घोड़ साहब, आदरणीय मांगीलाल जी बजाज, आदरणीय अशोक जी हंसी वाले, आदरणीय राजेश जी महिपाल, आदरणीय अनिल जी शराब सुनो ग्रामीवास जी शराब, आदरणीय प्रेम जी स्वामी हमारी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और मिल में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे प्रेम जी, आदरणीय रामकृष्ण जी राव साहब, आदरणीय रामकृष्ण जी राव साहब, आदरणीय सुरेश जी मिल संदीप टेंट हाउस, आदरणीय सुरेश जी मिल साहब, आपने गांव में भी बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया भेर में, आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल डोपी से, आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल, आदरणीय परशुराम जी धीरवासिया, आदरणीय आदरणीय सुरेश जी महिपाल, आदरणीय भाई साहब जितेंद्र जी बंसल ठेकेदार जी, आदरणीय सुशील जी बढ़ने वाले, आदरणीय प्रहलाद जी नुआ वाले, आदरणीय कुलदीप जी लुहारी वाला, आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय सतीश जी स्वामी, आदरणीय विनोद जी जिंदल, आदरणीय पवन जी जयराम कमालिया, आदरणीय दामोदर जी सैनी, आदरणीय रतनलाल जी बाई वाला, आदरणीय हनुमान जी ढिंग वाला, आदरणीय रामनिवास जी गांधी वाले, आदरणीय सुशील जी कंदोरी, आदरणीय संजय जी बाएं वाले, आदरणीय पंकज जी खदरिया, आदरणीय अंकित जी अधिकपुरा वाले, आदरणीय अनिल जी ढिंग वाले, आदरणीय रामचंद्र जी फतेहपुरिया, आदरणीय मुकेश जी धीरवासिया, आदरणीय शंकर जी दर्दे वाले, आदरणीय शिव भगवान जी सैनी, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान शिव भगवान जी सैनी, आदरणीय सुभाष जी पंजाबी प्रधान सब्जी मंडी भाजा, आदरणीय सुभाष जी, कोई नहीं बैठे हो फैमिली में तो है, आदरणीय ईश्वरजीत सिंह जी, आदरणीय ईश्वरजीत सिंह जी, आदरणीय जयवीर सिंह जी कसवा, आदरणीय अरुण जी शर्मा, जरा यूनुस जी दवारा, जरा सिराज जी चौका साहब, आदरणीय प्रदीप जी गोयल, आदरणीय मनोज जी लुहारी वाले, आदरणीय ओम जी सैनी, आदरणीय संजय जी छानी वाला, आदरणीय
जो भी वाला मनोज जी ओ मनोज जी मारी आदि और बात करो आप आज नहीं कर रहे आज है आप आज नहीं कर रहे हैं आदरणीय महेश जी डोबी वाला आदरणीय सरदार कुलदीप सिंह जी आदरणीय सरदार कुलदीप सिंह जी आदरणीय संदीप जी गोयल आदरणीय मोहन जी नेगी कारखाना के जो पुराने परिवार सदस्य हैं मिल के मोहनलाल जी नेगी आदरणीय जेपी जी राजिया आदरणीय संजय जी सिसवालिया आदरणीय बाबू भाई चिंपा आदरणीय बाबू भाई साहब बाबूलाल जी चिंपा आदरणीय महेश जी खदरिया आदरणीय मुरली जी शर्मा पूर्व नरोली पार्षद आदरणीय प्रदीप जी खगड़िया आदरणीय गौरव जी जागीर साहब आदरणीय श्रीचंद जी सिंधी आदरणीय श्यामलाल जी बंसल हाथीपुर आवास आदरणीय अमर सिंह जी डाकार से आदरणीय पुरुषोत्तम जी सुरेंद्र जी साहडीवाल सदन जी खगड़िया सुरेश जी शर्मा सिंधुक वाले मुरारी जी जागीर किशन लाल जी जागीर अनाज मंडी में सतपाल जी धोगीवाला सतपाल जी धोगीवाला धारा सिंह जी सुधार नुआ विनोद जी स्वामी नुआ गोपाल जी खगड़िया इंद्र सिंह जी राजपूत मुरारी लाल जी शर्मा किशन जी अजीतपुरा वाले भिकम चंदी अनूप सर वाले भिकम चंदी रोपड़े वाले गणेश जी नाई राजेंद्र जी पारक सकल जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जी सज्जन जी सैनी प्रेम जी अशोक जी मेहता आदरणीय अशोक जी मेहता आदरणीय मंगला राम जी सबरानिया आदरणीय मंगला राम जी सबरानिया आदरणीय शिव शंकर जी गोजान आदरणीय शिव शंकर जी गोजान आदरणीय चंद्रमोहन जी सैनी आदरणीय चंपालाल जी भाईवाला आदरणीय आदरणीय बैद जी नेठाणा वाले आदरणीय भजन जी नेठाणा वाले आदरणीय राजेश्याम जी घाटा वाले आदरणीय विनोद जी पवार आदरणीय मोदी राम जी चौहान आदरणीय श्यामलाल जी जागीर आदरणीय श्यामलाल जी बनाई वाले आदरणीय दीपक जी मित्तल आदरणीय विशंबर जी केजरीवाल धीवास वाले आदरणीय वाइस चेयरमैन पूर्व आदरणीय बड़े भाई दिनेश जी सैनी नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय आदरणीय मंगल जी दातार साहब आदरणीय नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाषा जगदीश जी आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी दातार आदरणीय डॉक्टर नेगी साहब इनका पूरा परिवार मिल से लंबे समय से जुड़ा हुआ है नदी नेगी आदरणीय कमल जी गांधी साहब आदरणीय आदरणीय किशन जी यादव बबीर साहब सोसाइटी के हमारे बिहारी प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय डाकी जी बिहारी प्रभाग से बड़े भाई डाकी जी जोरदिया सरपंच प्रतिनिधि ओम जी भागू आदरणीय ब्रजलाल जी खोके वाला सुरेश जी महिपाल आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित आदरणीय भद्रक जी राजपुरोहित साहब आदरणीय काशीराम जी मुहाल आदरणीय महेंद्र जी गोदारा
आदरणीय ईश्वर जी पुरोहित, आदरणीय राम साहेब जी सोनी, आदरणीय श्यामलाल जी मित्तल, आदरणीय मनरूप जी हुड्डा, आदरणीय धर्मेंद्र जी सहगल, आदरणीय धर्मेंद्र जी सहगल, आदरणीय रामपत जी पूनिया, आदरणीय राम प्रताप जी बेरीवाल, आदरणीय महावीर जी सहू, इनके बाद में पूरे परिवार गुप्ता परिवार जिन्होंने लोकप्रिय नेता को समर्थन दिया है उनको एक साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय राजू जी गुप्ता, आदरणीय किशनलाल जी गुप्ता, आदरणीय विनोद जी गुप्ता, आदरणीय रोशनलाल जी गुप्ता, आदरणीय संजय जी गुप्ता, आदरणीय बदास जी गुप्ता, आदरणीय सुनील जी गुप्ता, आदरणीय मरीज जी गुप्ता, आदरणीय आशीष जी गुप्ता, आदरणीय भावेश जी गुप्ता, आदरणीय शुभम जी गुप्ता, आदरणीय नितिन जी गुप्ता, रवि जी गुप्ता, अजय जी गुप्ता, अनिल जी गुप्ता, जयरीश जी गुप्ता और रोहन गुप्ता, पूरा गुप्ता परिवार। हेलो आदरणीय सुनील जी बिहार वाले, आदरणीय ओम जी डोबी वाले, आदरणीय ईश्वर सिंह जी सोनी, आदरणीय ईश्वर जी पुरोहित, एक बार आप फैमिली थोड़ी सी खाली करके अपने कार्यक्रम में थोड़ा आगे सीधा हो गई। आदरणीय भजन जी यादव, बड़े भाई आदरणीय भजन जी, आदरणीय जितेंद्र जी नेता साहब, आदरणीय संत जी महिपाल, आदरणीय सुशील जी महिपाल, आदरणीय जगदीश जी किशोरी, जिला प्रमुख रोशनलाल जी को माला अर्पण करते हैं। आदरणीय जगदीश जी किशोरी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री, जगदीश जी साधारण परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए, आदरणीय दीपक जी सरदार शहर वाले, आदरणीय दीपक जी सरदार शहर वाले, आदरणीय प्रकाश जी सरदार शहर वाले, आप भी आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे युवा साथी युवराज जी पेटिया की पूरी टीम, आदरणीय दयानंद जी खोके वाला के सानिध्य में टीम गौशाला में बहुत शानदार कार्य करती है, तो युवराज जी पेटिया की पूरी टीम आ जाए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय विशाल जी मोहनानी, आदरणीय विशाल जी मोहनानी आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। भूलवश अगर किसी सम्मानित बंधु का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपको सदर आमंत्रित करता हूं।
कि आप आए लोकप्रिय नेता का अभिनंदन बदल स्वागत करें। आप सबका राम की संधि कभी गोंदा भी आदरणीय पुरुषोत्तम जी खत्री, आदरणीय पुरुषोत्तम जी खत्री, आदरणीय धर्मचंद जी नेगी, आदरणीय राजू जी, बड़े भाई साहब राजू जी नेगी, अब मैं युवा साथी लोकेश जी खोकेवाला, पुत्र धर्म जी खोकेवाला को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी कविता सुना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धर्म जी खोकेवाले के पुत्र आ रहे हो, लोकेश जी कोई बात तो सारा शेयर करे वैसे किसी ग्रुप में क्या कौन सा ग्रुप में ठीक पहचान परिवार द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान युवा किसान नेता, किसानों की दिल की धड़कन, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, ये सोच रखने वाले ताऊजी श्री संजीव बेनीवाल मंच पर विराजमान, सभी अतिथिगण, भादरा से भादरा तहसील से आए हुए सभी माननीय नागरिकों का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ एवं चचाण परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस भव्य आयोजन का, इस प्रोग्राम का आयोजन किया, अपने मन की बात को कुछ तो एक कविता में सार किया है। आप सबको मैं ये कविता सुनाना चाहूंगा। कामरेड तुम हो अति पर भागी, जो भाद्रा का मिला सम्मान तुम्हें, लेकिन इस राज की कदर न तुमने की, न हजम हुआ सम्मान तुम्हें। कामरेड तुम हो अति पर भागी, जो भाद्रा का मिला है लाश तुम्हें, क्या कमाल की तुमने बाज हो तुम, बस बड़बड़ करना काम तुम्हारा, अभद्र भाषा की आड़ में लोगों को भड़काना है काम तुम्हारा, भोली भाली जनता को दिन रात लूटा है तुमने, कामरेड तुम हो अति बड़ भागी, जो भाद्रा का मिला खराब सुने, कामरेड तुम हो अति बड़ भागी, जो भाद्रा का मिला खराब सुने। किसान बैठे हैं धरने पर, किसान बैठे हैं धरने पर, उनका रहना ख्याल तुम्हें, आत्मा तरफाई व्यापारियों की तंग किया दिन रात तुमने, और नकली विकास की आड़ में बस अपनी ही जेब भरी है तुमने, कामरेड तुम हो अति बड़ भागी, जो भाद्रा का मिला खराब सुने। शहर की खराब व्यवस्था को एक कमल ही व्यवस्थित कर सकता है, शहर की खराब व्यवस्था को एक कमल ही व्यवस्थित कर सकता है, शहर की मूर्छित आत्मा के लिए एक संजीव ही संजीवनी बन सकता है, शहर की मूर्छित आत्मा के लिए एक संजीव ही संजीवनी बन सकता है। तो प्रण कर लो ये खुद से भी, 25 तारीख को वोट डालने जाना है और एक एक वोट कमल पर लगाकर संजीव बेनीवाल को जिताना है, संजीव बेनीवाल को जिताना है, और भाद्रा में फिर से अमन चैन को लाना है, कमल का बटन दबाना है, संजीव बेनीवाल को लाना है। जब तक घमंड और अभद्रता किसी व्यक्ति में आ जाती है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई आम नेता, तो उसके पतन का कारण निश्चित हो जाता है। वो कहते हैं काम रोज पर लोग सब नाच रख के बंद, और ये सारी चिंता तो ये दिल्ली से मन है, तो आम पतन तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिताजी अक्सर बात करते हैं कि सन 1998 में दादाजी स्वर्गीय श्री जगदीश जी चचाण ने अपनी इस भाद्रा की फुलवारी में एक संजीव नाम का पुष्प पौधा लगाया था, और देखते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उनके वंशज आज उसी पौधे रूपी संजीव को आज अपने प्रेम से स्नेह और समर्थन से जीत रहे हैं।
और आशा करता हूँ ताऊजी श्री संजीव बैठवाल से भी कि चुनाव से पहले चुनाव के बाद जैसे साथ इन्होंने प्रचार परिवार ने आपका दिया है वैसे ही आप इनका भी साथ आगे भी देते आएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए बस एक बात कहना चाहूंगा, 2018 के चुनाव में संजीव ताऊजी ने एक बात मुझे अब तक याद है कि संजीव ताऊजी ने बोला था कि जो नाम ही कामरेड है वो काम को कराते हो, जो नाम ही कामरेड है वो काम को कराते हो, बहुत पेपर नहीं निकालो और नहीं निकालिए थे ऐसा कि इसी करी है जब कई सारे लोग कांग्रेस के तो याद रखियो बात एक साल के एक साल के इसी करनी है जो आएगा इन्हें भूले कौन भूले हो। ठीक है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लोकप्रिय नेता स्वयं महाराष्ट्र का अभिनंदन करते हुए शिवसेना में भाषा बयान की तो कोई क्या कर दियो। अब मैं मील अब मैं हम सब राजमान है लोकप्रिय नेता राजमान है मील की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ मील की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ और पिछले 5 सालों में इन दोनों बच्चों पर जो राजनीतिक प्रहार हुए हैं उसका बदला लेने के संकल्प के साथ जोरदार तालियों के साथ आप आए और हम सब के मध्य विचार रखे। उससे पहले एक बार मैं पुनः नारा लगा रहा हूँ जगदीश प्रसाद की और तमाम समाज के साथ विदेश यहाँ पर आए सभी मेरे परिवार के बुजुर्ग मंच पर आशीष भाभी विधायक हमारे श्री संजीव जी धन्यवाद विधायक हमारे काका श्री मांगेलाल जी पाल काका सिंधिया जी धोती वाला मेरे सभी तमाम पार्षदगण तमाम सरपंच साहब वह मेरे नौजवान साथी मेरे बुजुर्गों वह मेरी मातृशक्ति सभी को मेरा यहाँ हार्दिक अभिनंदन वह सभी को मेरा यहाँ स्वागत है जो आपने अपना कीमती समय निकालकर और मेरे छोटे से आह्वान पर आपने यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए श्री संजीव जी बेनीवाल को विधायक बनाने के लिए आप लोग अपना सभी श्री हमारे भावी विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल से मैं एक आशा ही उम्मीद करना चाहता हूँ वह दो लोग से कहना चाहता हूँ विधायक जी मेरे श्री दादाजी जगदीश प्रसाद जी चाचा ने कभी भी किसी भी वर्ग के चाहे कोई वर्ग का हो चाहे उन्होंने अपने उनके काम के लिए कभी भी पग में जूती भी नहीं डाली चाहे किसी वर्ग से आया हो चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हो चाहे पराया हो। तो विधायक जी हम यही आशा करते हैं कि हमारे इस परिवार की शहर में किसी का भी काम हो आप लोग आप हमेशा हमारे मौजूद यही मौजूद मिले और हमारी समस्या को सुने और उनका वाजिब निवार करने की कोशिश करें। मेरे दादाजी 5 साल मेरे की सेवा करते हुए यहाँ जब वो बजट भी नहीं था राज्य सरकार से कुछ भी नहीं आता था दादाजी ने चंदा इकट्ठा करके पूरे भादरा की रोड में सीसी रोड पर जाकर बिछा दिया जहाँ पट्टे की बात करें तो घर घर जाकर पट्टे दिए। इसके अलावा मेरे काका श्री देव जी कोके वाले हैं जो उनके कार्यकाल में श्री ऊपर रह चुके हैं और इसके साथ ही सफाई व्यवस्था में बात करूँ तो मेरे दादाजी स्कूटर रखते थे तो वो कोई आया किसी ने शिकायत करी जी हमारे मोहल्ले में ये ऐसे सफाई नहीं है वो नहीं है दादाजी उसके साथ चढ़ लिए और जैसा भी आया उसका काम कराने की कोशिश की। तो विधायक जी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शहर का कोई भी काम हो किसी भी तरह की समस्या हो आप लोग आप हमारे बीच हमेशा मौजूद रहे। इसी आशा के साथ मैं यही आपको कहूँगा कि संजीव जी बेनीवाल को भाई बहनों से विजय बनाए और इनको अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। नोट ने बुला दिया थोड़ी सी बीच में ना होना कर लीजिए। श्री पूरा शहर लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में आपके साथ है आपका हाथ मजबूत आपके सबको उपकार करने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस मील का शहर में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब आगे संजीव जी के नेतृत्व में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे ये हम सबका वादा है। अब मैं हमारे भांजे
बड़ी मेहनत कर रहे जोरदार तालियों के साथ आपने स्कूल दे के उस स्थान के ऊपर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमेशा इस महादरा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के अपने घर के दरवाजे के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खुले रखने का काम किया और उनके निवेदन के ऊपर आप सब साथी इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। इसे ये स्पष्ट है कि आज भी स्वर्गीय श्री जगदीश चाचाण जी हम सब के दिल में बास करते हैं। मैं स्वागत करता हूं हम सब के लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय श्री संजीव बेनीवाल जी, हमारे उनके साथ ही बैठे गौरी शंकर चाचाण जी, भाई बलवंत सैनी जी, आदरणीय मांगीलाल जी, सरपंच सतवीर धायल जी, प्रताप दहिया जी, वेद प्रकाश मान जी, हमारे पुरुषोत्तम जी भी साथ ही है। पुरुषोत्तम जी यहाँ बोले बोले जी अगर बीच सिंह बैठे शुरू में आगे बाबा और धीरे धीरे सरकता सरकता पुलिस की उम्र लग गया तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और ये आपके भाषा विधानसभा चुनाव में आपके सहयोगी के तौर पे आपके बीच में हूँ। मतलब तो भी कौन हो रहा है अगर खड़े होकर के तो भी मेरे को एतराज हो पार्षद हमारी आदरणीय मौसी मंजू पूनिया जी, हमारे साथी हरिप्रकाश शर्मा जी, पूनम जी वर्मा, अनुवर जी कुरेशी, युवराज जी, गौरव सोनी जी और दो समस्त रामसूत जी मिश्री और जो गौरी शंकर जी की अगली पीढ़ी और जिन्होंने लगातार अपने बुजुर्गों का मान बनाते हुए आप सबके बीच में रहने का काम किया है। अभी बोल के गए बड़े अच्छे शब्दों में और मुझे अभी बता रहे थे अर्जुन जी की मिथिलेश जी पहली दफा बोल रहे हैं और उन्हीं चाचाण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, प्यारे 11 तारीख को आदरणीय संजीव बेनीवाल जी आपके इस बहादुर क्षेत्र के बॉर्डर के ऊपर आए टिकट लिए थे और उस दिन जब हम मोजाना के करीब पहुंचे और जिस प्रकार का हुजूम पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का वहां पे हमें देखने को मिला और उसके बाद आगे बढ़ते 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 सभी ग्राम पंचायतों से होते हुए जब शहर के अंदर हम पूरी टीम के साथ हमने प्रवेश किया तो जितना हुजूम हमने मोजाना में देखा उसी प्रकार का हुजूम पहली दफा मुझे इस भादरा क्षेत्र में संजीव बेनीवाल जी के प्रति देखने को मिला। और साथियों ये आपको ध्यान होगा कि जब 2014 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश के लोगों की इच्छा थी कि जिस प्रकार का कुशासन कांग्रेस पार्टी के राज में था, जिस प्रकार के घोटाले चाहे वो कोयले का हो, 2G का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ खेलों का घोटाला हो और जिस प्रकार से खुली लूट पूरे देश की आर्थिक संपत्ति के ऊपर मचाने का काम उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किया था, उन हालातों को देखते हुए
सबके मन में एक ही बात थी कि अब तो जिस प्रकार की हालात इस देश में है, इन सब हालातों से छुटकारा दिलवाते हुए और इस देश के विकास के मामले में गति देने का काम अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। और उनकी भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का हम काम करते हैं। और साथियों, जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ तो पूरे देश में चाहे वो किसी भी जाति से किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, हर एक व्यक्ति की भावनाएं ये थी कि हम किसी भी प्रकार से चाहे वो वोट की ताकत से या सपोर्ट अपना करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप को खड़ा करें ताकि इस देश को मजबूत किया जा सके। और उसी प्रकार की भावनाएं आज मुझे आपके इस भाजपा विधानसभा में दिखाई देती है और हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो उसका ये विचार है कि हम अपने आप को संजीव बेनीवाल जी के साथ खड़ा करते हुए इस भाजपा के विकास को आगे बढ़ाने का मजबूत करने का काम करें। और साथ में ये ऐसे नहीं होता, उनसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें भी कही और आदरणीय दयानंद जी के भतीजे कविता पाठ जो करते हुए जी, तो उन्होंने भी बहुत कम शब्दों में सारी बातें आपके बीच में बताने का काम किया। ये आप सबको उन हालातों से आप वाकिफ हैं कि जब इस बहादुरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान घरों के ताले टूटते रहे और यहाँ के जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस बहादुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार घोटाले होते गए, आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में नकली डीजल की फैक्ट्रियां लगने लगी, आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में चंदन की तस्करी होने लगी, आपके जनप्रतिनिधि खामोश रहे, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेकों प्रकार के सड़कों के अंदर या शहर के अंदर जो भी काम उन्होंने घोटाले होते गए और आपके यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि खामोश रहे। और तो और साथियों बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों की अस्मत से खिलवाड़ होता रहा और वो प्रतिनिधि चुप रहा। हमारे युवाओं के साथ निरंतर पुलिस की और प्रशासन की बर्बरता रही, उसके बावजूद वो प्रतिनिधि चुप रहा। और तो और साथियों बुजुर्गों, हमारे क्षेत्र के किसानों को लगातार धरना देते हुए चाहे वो अपने मुआवजे की मांग को लेकर दिया हो या उनको पर्याप्त पानी ना मिलने के कारण दिया हो और उसके बावजूद भी आपका जनप्रतिनिधि खामोश रहा। ये आज जिस प्रकार का जोश आपके युवा साथियों के द्वारा दिखाया गया और जिस प्रकार गगनचुंबी नारों के साथ संजीव बेनीवाल जी को यहाँ आप लोग लेके आने का जिन आप लोगों ने काम किया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमने आने वाली 25 तारीख को राजनीतिक हालातों को बदलने का काम किया। ये साथियों बुजुर्गों, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय के दौरान जिस प्रकार का सब लोगों का चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो संजीव बेनीवाल जी के प्रति उन्होंने आस्था जताने का काम किया है और उन हालातों को देखते हुए आपके चुने हुए प्रतिनिधि लगता है वो बुला गए हैं और जिस प्रकार की बयानबाजी आज के दिन वो करते हैं, मुझे तो ये YouTube के माध्यम से और जो मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से सुनने को मिलता है और इस प्रकार की बातें कि मुझे दूर आने लग गया, इधर से आने लग गया, उधर से आने लग गया, मुझे तो ऐसा लगता है साथी बुजुर्गों कि नरेंद्र भाई मोदी के कोरोना के टिक्के की जगह उनको कहीं आगे धीमे का टिक्का तो नहीं लगा है। ये आज आपको देखना है कि एक व्यक्ति आपकी विधानसभा क्षेत्र से जिसको आपने चुन के भेजने का काम किया और उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन करने का नारा लेके वो आया था उसी प्रकार से उसने व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। इस क्षेत्र के अंदर लगातार कुशासन बढ़ता गया, जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन को उसने अपने हाथों की बचकुलियां बनाने का काम किया। और तो और साथियों, इस भादरा क्षेत्र में
लगातार उसने कीचड़ बिखेरने का काम किया, परंतु उसको यह पता नहीं था कि कमल कीचड़ में ही गिरता है। साथियों, ये आज आपको तय करना है, और तो और मैं आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहां सभी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए आप साथी यहां उपस्थित हैं। और पहले 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तब से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को शहर की पार्टी माना जाता था, व्यापारी साथियों की पार्टी माना जाता था। मैं आपका आभार इस बात के लिए प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार से इस देश के अंदर विश्वास कायम करने का प्रयास किया कि आज भारतीय जनता पार्टी आपके किए हुए कर्मों से शहर से निकल के एक एक गांव तक और एक एक बूथ तक पहुंचाने का आपने काम किया है। तो साथियों, आज इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आप सब लोग एकजुट होते हुए कि आने वाली 25 तारीख को हमने ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के निशान का बटन दबाकर संजीव बेनीवाल जी को सिर्फ जिताना नहीं है, इनको 200 की विधानसभा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जिताने का आप लोगों ने काम करना है। तभी हम लोगों ने जो पिछली बार जो अभी अरविंद जी ने एक बात कह लगे हो यार, इतना सियाणा आदमी सुरजेड़ा आदमी हो, अब गैलरी में धारो गलती हो ही किया, तो बोला भाई जी जो होगी वह होगी, भी पर माटी के और एक में सारा कमल कस के संजीव जी के सागर लगाएगा। तो एक बार पुनः सासान परिवार